सुभाष की कहानी में कि ना लोभे ना समंग दुखंगे, ना लोभे ना समंग दुखंगे, ना संतोषात परम सुखम, ना संतोषात परम सुखम, हाँ ना संतोषात परम सुखम। इसका अर्थ क्या हुआ जानते हैं? इसका अर्थ हुआ कि लोभ दुख का कारण है, लोभ दुख का कारण है, और संतोष सुख देता है। आप देखिए कैसे लोभ दुख, जो लालची आदमी होता है ना, जो लोभी आदमी होता है वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जो लालची होता है वो कभी सुखी रहेगा बच्चे? हमेशा उसके मन में लालच रहेगा, ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वही दुख देता है। लालच क्या करने लगता है? दुख देता है। लेकिन जो संतोषी आदमी है वो थोड़ा सा नहीं, वो अपना संतोष कर लेगा और सुख से रहेगा, और सुख से रहेगा बच्चे। इसीलिए बच्चे लालची बनना चाहिए, नहीं मैं क्या बनना चाहिए, संतोष संतोषी बनना चाहिए। कहा गया है कि जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, जब मन में संतोष आ जाता है तो कितना ही धन हो हीरा मोती जवाहरात, लेकिन वो एक धूल के तरह लगता है। क्या लगता है? धूल के तरह। इसीलिए बच्चे लालची नहीं बनना है, अगर सुख से रहना है तो लालची नहीं बनना है, संतोषी बनना है। अगर आपको दुख ही अच्छा लगता है तो लालची बनिए। तो दुख अच्छा लगता है कि सुख? दुख। इसको मोटा अक्षर में लिख के दिया, यह टास्क दिया होमवर्क के लिए।